त्योहार के समय में सोलन का बाजार रविवार को भी खुला था, जिसको लेकर एसडीएम सोलन अजय यादव ने व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई और करीब 17 व्यापारियों के चालान काटे थे। इस कार्रवाई पर सोलन के व्यापारी बेहद नाराज नजर आए। सभी व्यापारियों ने मिलकर सोलन में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता सोलन व्यापार मंडल के कथित अध्यक्ष कुशल जेठी ने की। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि समूचे भारत की दुकानें त्योहार का सीजन आरंभ होने के कारण खुली हैं, लेकिन सोलन के बाजार खोलने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में ला रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सोलन का व्यापारी कोविड संकट के चलते पहले ही दुखी है। देश के प्रधानमंत्री व्यापारी के हितों की बात करके नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन सोलन का प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोलन के व्यापारियों से एसडीएम सोलन ने व्यवहार किया है वो मित्रतापूर्ण नहीं था, इसलिए उनके द्वारा एसडीएम सोलन के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी जा रही है। सोलन शहर के लिए बड़े शर्म की बात है कि जो कल हमारे दुकानदारों के साथ घटना घटी है, और हमारे बड़ा भारी दुख है इस बात का कि हम आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, चोर और आतंकवादी डकैत नहीं है। जैसे कल प्रशासन का एक बड़ा अधिकारी हुटर मारता हुआ पुलिस फोर्स और लेबर इंस्पेक्टर के साथ बाजार में दंत नहाते हुए आए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमें ये नहीं समझ में आता कि ऐसी क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो गई थी कि एसडीएम साहब हुटर बजाते हुए बाजार के अंदर आए। अगर मैंने दुकान खोली है तो लेबर इंस्पेक्टर आता, मेरा चालान करता, मैं चालान को भुगता। लेकिन ये क्या कारण है, इसके पीछे क्या साजिश है, इसकी कृपया जानकारी हमारे को चाहिए, और हम इस बात को सरकार तक रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक भी इस बात को पहुंचाएंगे कि आपने ये अधिकारी हमारी सहूलियत के लिए रखे हैं या हमें दबाने के लिए रखे हैं। हम ऐसी किसी भी दबाव के अंदर नहीं आएंगे। आज हम आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम कारोबार करते हैं, अपने पैसे लगा के बिना सरकार से तनख्वाह लिए सरकार को टैक्स देते हैं, हम अदा करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ अगर ये गुंडागर्दी होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कल जो हमारे साथ एसडीएम साहब ने किया, हम उसके विरोध में कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बाजार बंद का आह्वान करते हैं। अगर एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगला बड़ा कदम घोषित करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की और सरकार की होगी।